हे गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग मेरे प्रेगनेंसी थर्ड मंथ प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में होंगे। तो मैं आप लोगों को मेरे थर्ड मंथ के प्रेगनेंसी सिम्टम्स बताऊंगी कि मुझे क्या फील हुआ था, क्या नहीं फील हुआ था, औरों को क्या फील होता है ये मैं नहीं बताऊंगी। मुझे पता भी नहीं कि औरों को क्या होता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस मतलब कि जो मुझे हुए हैं स्टार्टिंग में और जो थर्ड मंथ मेरी कंप्लीट हुई है उसका मैं आपको बताऊंगी। तो प्लीज मेरे ब्लॉग में प्लीज बने रहिए आप लोग। आप लोग को तभी पूरा समझ में आएगा। आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिल जाए इसलिए वहां पे बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आपको वीडियो समय से नोटिफिकेशन से आपको मिल जाए। तो प्लीज चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्रेगनेंसी सिम्टम्स थर्ड मंथ के। तो पहला मेरा ये सिम्टम्स था कि स्टार्टिंग में मुझे भूख नहीं लगती थी, प्यास नहीं लगती थी। करवा चौथ का व्रत था लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख प्यास कुछ भी नहीं लगी। तो मुझे थोड़ा फील हो रहा था शायद, तो मैंने इनको बताया भी था मुझे भूख प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इन्होंने बोला कि बताने क्यों ऐसा। तो मैं नीचे भी सीढ़ी से भी नीचे उतरती थी, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सेकंड ये था कि मुझे, सबको कहते हैं मॉर्निंग सिकनेस होती है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, सब नॉर्मल। मैं एकदम एक्टिव अभी भी हूँ और पहले भी थी। मुझे उल्टी भी नहीं होती है, कभी भी उल्टी नहीं हुई। सिर्फ एक बार मुझे चक्कर आ गया था और तब उल्टी हो गई थी, चक्कर की वजह से वो होगा होगा हुआ होगा शायद शायद मेरा बीपी हाई है, शायद उसी वजह से हुआ होगा। लेकिन मुझे कभी भी उल्टी, और सबको कितनी प्याज की स्मेल आती है, खाना बनाते हैं हम रोटी की भी स्मेल आती है तो वॉमिट होती है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वॉमिट की उल्टी, मतलब उल्टी भी नहीं हुई मुझे, और ना ही कुछ खाने को तो बहुत। और खाने की बात करें तो मुझे मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं। मैं चाय पीती थी, चाय भी मैंने छोड़ दिया। और हाँ, और ना मुझे खट्टा खाने का बहुत मन करता है, खट्टा हो गया, तीखा हो गया, नमकीन हो गई, ये सब बहुत ज्यादा खाने का मन करता था। अभी भी वही है, मुझे मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। लेकिन ये थोड़ा रसगुल्ला रखा था तो एक दो वैसे खा लेती हूँ, वरना मुझे उतना क्रेविंग्स नहीं है मीठे की कि मुझे सिर्फ मीठे ही चाहिए। मीठा नहीं, मुझे नमकीन और खट्टा, गोलगप्पे हो गए, वैसे सब खाने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे गोलगप्पे मिल जाए मैं तो डेली खाते रहूं, खाना ना मिले चलेगा लेकिन गोलगप्पे मुझे जरूर मिले और मैं वो खाती रहूंगी। और मुझे वो उल्टी तो मैंने बताया कि मुझे बिल्कुल होती ही नहीं है, अभी भी नहीं होती। थर्ड मंथ मेरा कंप्लीट हुआ ना तभी भी मुझे उल्टी नहीं होती। हाँ, पर एक चीज मुझे जरूर होती है, वो है पानी पीते ही मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत बहुत पड़ जाती है। बार बार सेकंड सेकंड पे मुझे जाना पड़ता है वॉशरूम के लिए। तो ये प्रॉब्लम तो सभी प्रेग्नेंट औरत को ही होती होंगी। तो प्लीज अगर कुछ भी आगे दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइए, उसको मैं पहले से इंतजाम करके रख रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेस पे ना ग्लो नहीं है, अब मुझे डार्क सर्कल बहुत हो गए और मेरे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहे हैं इस समय। ये नहीं पता मुझे क्यों हो रहे लेकिन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। कोई भी हो तो फिर प्लीज कमेंट में बताइए, ऑयलिंग का बहुत ज्यादा टूट रहे हैं अभी भी। तो देख रहे बहुत ज्यादा बाल टूट रहे हैं अभी भी। तो मैं ये भी बताऊंगी आपको कि मुझे आगे चल के क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रही है, मुझे उल्टी होती है कि नहीं होती है, प्याज की स्मेल। मुझे ना कोई दिक्कत नहीं है प्याज की स्मेल से, डेली अपना एक रूटीन है काटना, खाना तो सभी को बनाना है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं प्याज की स्मेल से मुझे वॉमिट हो जाए या मैं बाहर चली जाऊँ वॉमिट करूँ, वैसा कुछ भी नहीं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मैं यही चाहती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। उल्टी होने पे शरीर इतना बेकार हो जाता है ना कि कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। मेरी आस पड़ोस वाले एक और एक है, वो लोग सब बताते हैं कि वॉमिट होती है, बहुत होती है वॉमिट, और कुछ भी स्मेल सूंघती हूँ तो फिर दिक्कत होती है, परेशानी होती है। लेकिन मैंने बताया मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। सब कहते तुझे लड़का होगा लड़का होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर लड़की हो चाहे लड़की हो, हमारे लिए सब कुछ एक है। वो तो कहने वाले कहते हैं ना कि तुम्हें लड़का होगा, तुम्हें उल्टी नहीं हो रही है, ऐसे कहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दोनों पसंद है बहुत। मुझे ज्यादातर लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। उनके लिए नए नए कपड़े, इतने शॉर्ट शॉर्ट कपड़े, इतने अच्छे अच्छे कपड़े होते हैं, बहुत क्यूट लगती हैं लड़कियां। तो चलिए ठीक है, अगर आगे मुझे कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको अपडेट अपडेट जरूर कर दूंगी। तो प्लीज मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आए, मेरी प्रेगनेंसी सिम्टम्स जो थोड़े बहुत हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं होती, आपने तो ये देख लिया मेरी वीडियो में। अगर आगे चल के होगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगी। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। तो आगे हम मिलते हैं आपको किसी और नए वीडियो के साथ, प्रेगनेंसी के ही बारे में होंगे, तो मैं आपको आगे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।